so you are good by the grace of god i am also good today we are learn about urinary calculi and uh, welcome back on my this channel best sophia nursing i'm sophia Kilgil. it's a bsn channel so chelte i look next up slides slide special the so move on next slide ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक क्या है यूरिटर है ये किडनी से शो हो रहा है कि किडनी से एक स्टोन निकल रहा है जो कि यूरिटर से निकलते हुए पास आउट होगा किसके अंदर आएगा ब्लैडर के अंदर देन ब्लैडर से ये निकल पाता है नहीं निकल पाता या वहीं पे स्टक हो जाता है यूरनरी कैलकुलाय की अगर हम लोग डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं तो यूरनरी कैलकुलाय के अंदर क्या चीज इट्स यूरोलिथियासिस भी बोला जाता है अब यूरोलिथियासिस इसे क्यों बोला जाता है अगर हम नेफ्रॉनिक सिस्टम की स्टडी करते हैं जिसके अंदर क्या आ जाता है उसके अंदर किडनीज आ जाती है यूरिटर आ जाता है ब्लैडर आ जाता है ये पूरा एक किडनी का यूरनरी ट्रैक सिस्टम है पूरा एक ये यूरनरी सिस्टम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जर्नरी ट्रैक भी बोला जाता है इस सिस्टम को इट्स ऑल्सो कोड यूरोसिस इसको डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो यूरो जो है इसका मीनिंग ये होता है यूरनरी ट्रैक लिथो का मतलब होता है लिथो का मतलब है स्टोन स्टोनिस का मतलब है फॉर्मेशन अब यूरोसिस कंप्लीटली मीनिंग इज किडनी स्टोन इट्स रेफर टू स्टोन कैलकुल इन दूरनरी ट्रैक ये यूरनरी ट्रैक के अंदर क्या करता है स्टोन को रेफर कर उसकी फॉर्मेशन करता है अब ये फॉर्मेशन किस तरह से हो रही होती है कुछ स्टोन जो है ऐसे होते हैं या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं सब्सटेंस कहना चाहिए जो फॉर्म करते हैं फॉर्मेशन करते हैं किस चीज की इसको अगर हम लोग रीट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस सच एज अ कैल्शियम ऑक्सीलेट कुछ ऐसे हैं सब्सटेंस जो की कैल्शियम ऑक्सीट को इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं हमारे किडनी सिस्टम के अंदर कैल्शियम फास्टफूड और यूरिक एसिड को इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं हमारे किडनीज के अंदर ये उसको क्या कर रहे होते हैं रेफर कर रहे होते हैं उसको उसके कर रहे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर इनका कंस्ट्रक्शन सिस्टम जो है वो इंक्रीज जब हो जाता है नॉर्मल अगर इसका रेट हम लोग देखते हैं तो लेस देन फोर्टी फाइव मिलियन ग्राम पर डे हमारी बॉडी के अंदर इनकी अफजाइश हो रही होती है इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है जो नॉर्मल सिस्टम के लिए ये सब्सटेंस जो है ओके okay, अगर ये इंक्रीज मोर देन 75 मिलीग्राम पर डे इनकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं के अंदर ये स्टोन बनाना शुरू कर देते हैं अब यहाँ पे यूरियोलिथियासिस भी है और एक इसी से रिलेटेड नेफ्रोलिथियासिस भी है नेफ्रोलिथियासिस के अंदर नेफ्रो है यानी कि किडनी का सिस्टम है और लिथियासिस तो आपको पता है कि स्टोन को बोला जाता है सही है नेफ्रो थियासिस आ जाता है यूरोलिथियासिस आ जाता है ये दोनों क्या है नेफ्रोन और किडनी सिस्टम के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन को बोला जाता है अब इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इसको रोकते हैं इन स्टोन को बढ़ने से या फॉर्मेशन होने से रोक रहे होते हैं और उसके जब इसकी कंस्ट्रक्शन अगर इंक्रीज होती है तो उसको किस तरह से लेस कर रहे होते हैं उसके कोरिस्पोंडिंग कहना चाहिए कि कोरिस्पोंडिंग में कौन से होते हैं जो के स्ट्रिक होते हैं मैग्नीशियम होते हैं और ये सारे क्या हो रहे होते हैं नेफ्रो कैलकुलाई भी होते हैं जो कि इसके अंदर नेफ्रो कैलकुलाई को इंक्रीज होने से रोक रहे होते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको स्ट्रिक और मैग्नीशियम ये स्टोन को रोकते हैं बनने से और अगर इनका रेशियो इंक्रीज हो जाता है तो फिर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं और कैलकुलाई में भी फाउंड एनी ये कहीं भी हो सकते हैं जैसे हमारा एक सिस्टम है ये किडनी के अंदर हो सकता है किडनी पेल्विस के अंदर हो सकते हैं किडनी का जो पेल्विस है या फिर यूरिटर में हो सकते हैं और वहां से ट्रेवल करके यूरिथ्रा में आ है, दर दर सकते हैं स्टक हो सकते हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में भी होते हैं और स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये स्टक हो जाते हैं यूरिथ्रा के अंदर इस तरह से ये स्टोन फ्रॉम इन द किडनी हमें नजर आ रहा होता है जब वो ट्रेवल करता है किडनी से निकल कर ब्लैडर में आता है और अगर स्टोन छोटा है तो वो यूरिथ्रा से रिमूव हो जाएगा अदरवाइज अगर स्टोन कैसे भी करके वहां से आ गया है तो वो स्टक भी हो सकता है यूरिथ्रा के अंदर पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कॉज होती है इन्फेक्शन इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि वो हिस्सा जहाँ पे क्या हुआ है स्टोन ठहर गया है या स्टोन बना है तो वो क्या होगा वहां पे एरिया अगर हो गए हैं या वहाँ पे इंजरी हो गई है तो इन्फेक्शन कोज होना शुरू हो जाएगी और इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं और यूरनरी स्टेटस पूरा का पूरा क्या होता है स्लो हो जाता है रिनल रिनल ड्रेनेज टोटली ऑल्टर हो जाता है ड्यू टू कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की वजह से क्योंकि कैल्शियम इंक्रीज हो गया है यूरिया क्रिटनी इंक्रीज हो गया है इसकी कंसंट्रेशन की वजह से ब्लड जो है वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहां पे क्या है इंफेक्शन है और जहाँ पे स्टोन है अगर वो अपनी जगह से मूव करता है तो क्या होगा वहां पे जिस जगह पे वो बैठा होता है उस जगह से जब वो हिलेगा तो वो पूरी वैसल्स को रप्चर करेगा और वैसल्स भी वहां से एरिया क्या होगा रप्चर हो जाएगा और ये काफी होता है और जिसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है हमारी यूरिन के अंदर और ये एकट करता है कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ़ द स्टोन हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है ज्यादा जिस डाइट के अंदर या हम लोग कैल्शियम की चीजें ज्यादा ले रहे हैं तो कॉज बनेगा किसका हाइपर कैल्सिमिया की कॉज बनेगा और हमारे सीरम 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 के के अंदर, के अंदर ब्लड हाई कैल्शियम आना शुरू अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट जैसे यहाँ पे भी बताया गया है कि अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑल रिनल स्टोन आर कैल्शियम बेस्ड और सेवेंटी फाइव परसेंट क्या होते हैं रिनल के अंदर किडनी uh, के अंदर जो स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम स्टोन ही होते हैं कॉजिस इसकी क्या हो सकती है हाइपर थाजम की वजह से हो सकता है कैंसर की वजह से हो सकता है ट्यूबर uh, क्लोजिज भी रीजन बन सकते हैं कैल्शियम होता, है, होता है जिसकी वजह से विटामिन डी होता है और ये कॉज कर रहे होते हैं स्टोन को स्टोन uh, फॉर्मेशन की कॉज कर रहे होते हैं अगर एक्सेसिव इनटेक ऑफ मिल्क ले रहे हैं या लोकीमिया uh, हमारी बॉडी के अंदर हो हो गया है और बहुत सारी ये सेकेंडरी डिजीजेस जो के रीजन बनती हैं स्टोन की जो के मेडिकेशन की वजह से हो सकता है या कुछ भी कोई भी किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी कॉज बन सकती है मैनिफेस्टेशन की अगर बात करते हैं मैन दी स्टोन द्लो ऑफ यूरन जब आ, स्टोन क्या करेगा जो एक नॉर्मली पर्सन क्या कर रहा है यूरन पास कर रहा है लेकिन क्या हुआ कि उसका यूरन पास होना स्टॉप हो गया रीजन क्या थी कि वहां पे स्टक हो गया वहां पे स्टोन आके रुक गया और उसने क्या किया ऑब्स्ट्रक्शन कर दी और ऑब्स्ट्रक्शन जब हो गई तो क्या होगा प्रोड्यूसिंग एन इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा किडनी से यूरिटर के अंदर और किडनी पैलविज के अंदर ज्यादा यूरिनेशन वो प्रेशर कह सकते हैं वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा और वो क्या करेगा यूरिटर्स के अंदर भी उसको स्ट्रेच करेगा और वहां पे काफी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से कि कभी कभी वहां की कैपिलरीज जो हैं वो रेप्चर हो जाती हैं और मसल uh, काफी स्टिफ हो जाएंगे और जिसकी वजह से इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकता है और इन्फेक्शन की वजह से फीवर होगा डिस होगा कॉन्स्टेंट इरिटेशन रहेगी पर्सन को पेन फील करेगा डिसकंफर्ट फील करेगा स्टोन इन रेनल पैलवेज में बी एसोसिएटेड वेन इंटेंस डी इन दी कोस्टोव रीजन के अंदर क्या होगा कोस्टोट रीजन के अंदर सिवियर पेन होगा उसको इस जगह पे काफी ये नजर आ रहा है इन जगहों पे उसको क्या होगा यहाँ पे कोस्ट्रोविटिब एंगल बना के दिखाया गया है यहाँ पे पर्सन को पेन फील होगी बहुत ज्यादा और क्या होगा ब्लड के अंदर क्या होगा कि यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा उसको यूरिन स्टॉप हो जाएगा और फिर क्या होगा वो नोजिया वॉमटिंग भी होगा उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं एक्सरे करवाए जाते हैं किडनी के यूनिटर्स के ब्लैडर के जिसको बोला जाता है एक्सरे बोले जाते हैं पी भी करवाते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राफी भी करवाया जाता, जाता, जाता है अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है आई यू करवाया जाता है रिट्रोग्रेडेड पाइलोग्राफी जो है वो देखा जाता है यूरिटर्स को वेन के जरिए क्या होता है कि एक डाई पुश की जाती है जिसके बाद पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है ट्वेंटी फोर यूरिन टेस्ट भी एक होता है किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ कैल्शियम यूरिक एसिड सोडियम पीएच एंड टोटल वॉल्यूम देखने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं ताकि देखा जाता है ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है स्टोन अगर उसका उसमें आ जाता है कुछ रेजेस स्टोन के कुछ टुकड़े अगर आ जाते हैं उसको भी चेक किया जाता है कि कौन से स्टोन है कैल्शियम है फॉस्फेट है कौन सा स्टोन है डाइट्री का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है एंड मेडिकेशन का पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है कि रिनल स्टोन पहले भी उसको हुआ है उसकी फैमिली में तो नहीं है कब से उसको है और ये क्रोनिक है क्यूट है सडनली हुआ है या फिर उसकी फैमिली में किसी को था मदर को था और अगर, अगर पहले से उसको है तो क्या टेस्ट करवाया है उसने कभी पहले ऐसा या फिर उसको अगर पता है तो क्या स्टोन किस टाइप के हैं कैल्शियम स्टोन है या कौन से हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो नोट की जाती है

किया जाता है जिसके जरिए स्टोन को ब्रेक डाउन किया जाता है और देन वो स्पॉन्टेनियसली पास आउट हो जाता है यूरिन के जरिए तो ट्रिप्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या इसकी डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि उस पर एक न्यू वीडियो बन सके Now, देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक वगैरह दिए जाते हैं इंकरेज किया जाता है पर्सन को के ज्यादा इंटेक ले वाटर बेवरेजेस वगैरह ले और इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिहाइंड दी स्टोन असिस्टिंग इट्स टर्न वर्ड पैसे क्योंकि जब वो ज्यादा पानी का इंटेक करेगा फ्लूड इंटेक करेगा तो ऑटोमेटिक वो क्या होंगे उसके जो भी कंडीशन है यूरिया क्रडनी जो भी उसका इंक्रीज हुआ हुआ है वो पास आउट हो जाएंगे जो स्टोन है वो वो भी रेजा रेजा होकर निकलना शुरू हो जाता है न्यूट्रिशन का बहुत केयरफुली ध्यान रखा जाता है मॉडिफिकेशन प्ले एन ए रोल इन प्रिवेंटिंग रिनन स्टोन लाइक कैल्शियम वाली मेडिके लाइक कैल्शियम एंड प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट से अवॉइड किया जाता है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और पर्सन को बोला जाता है पर्सन को बोला जाता है एटलीस्ट वो क्या करे पर्सन को बोला जाता है एटलीस्ट एट ग्लासेस ऑफ वाटर का इनटेक करे ताकि स्टोन किडनी में ठहर ही ना सके मजीद पेशेंट को बताया जाता है पेशेंट विद कैल्शियम बेस्ड रेनल स्टोन और इफ द पेशेंट विद द कैल्शियम स्टोन अगर पर्सन जो है कैल्शियम स्टोन के साथ है वो एडवाइज टू रिस्ट कैल्शियम इन दियर डाइट अपनी डाइट में कैल्शियम वाली खुराक का कम इस्तेमाल करें यूरिक एसिड स्टोन एडवाइस लो प्रोटीन जिनके यूरिक एसिड होते हैं उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि लो प्रोटीन डाइट ले और कैल्शियम स्टोन वालों को बोला जाता है कि कैल्शियम की कम से कम डाइट ले जैसे दूध है मक्खन है इस तरह की चीजों का कम इस्तेमाल करें। फॉर ऑक्सलेट स्टोन एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड ऑक्सलेट रिच फूड लाइक स्पिनिच है स्ट्राबेरीज है, है चॉकलेट्स वगैरह टी पीनट्स वगैरह वी ब्रांड जो है ये सारी चीजें ऑक्सलेट वालों को बोला जाता है कि वो इनका इस्तेमाल कम करें ये ये डाइट चार्ट है इसको आप देख सकते हो और आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर मजीद आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करें कि आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं कौन से टॉपिक से कौन से सब्जेक्ट से देखना चाहते हैं ताकि उन पर हम लोग मजीद वीडियो बना मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर रेनल जैसिक दिया जाएगा जो कि रिलीव करेगा पेन को स्पाजमोटिक देंगे जिसमें बस्कोपेन इंक्लूड होता है बस्कोपेन होता है जो कि रिलीव करता है पेन को ऑल्सो इत... इट्स अ पेन किलर एंसर्स देंगे नॉन स्टीर्ड इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देंगे आयो चार्ट उसका करेंगे प्रोवाइड करेंगे उसको रेस्ट और इसके साथ एक्स्ट्रा इंक्लूडेड जो दी जाती है मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जिसमें जयलोप्रिम होता है फॉर यूरिक एसिड स्टोन के लिए दिया जाता है थाबिटिक्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कैल्शियम स्टोन फ्रॉम फॉर्मिंग यानी के फॉर्म करने कैल्शियम स्टोन जितने होते हैं जो बन रहे होते हैं उनको उनकी फॉर्मेशन को रोकता है स्टॉप करता है सोडियम बाइकार्बोनेट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर दिया जाता है और सोडियम सिट्रिक टू मेक द यूरिन एसिडिक यूरिन के अंदर जलन महसूस नहीं होती पेशेंट को उसके लिए उसकी उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है फास्टफोरस सोलूशन टू प्रिवेंट कैल्शियम स्टोन फ्रॉम फॉर्मिंग कैल्शियम स्टोन को बनने से रोकने के लिए फास्फोरस मेडिकेशंस दी जाती हैं इसके अलावा पेनकिलर के अंदर आइब्रोप्रोफेन दिया जाता है जिसे आइबुप्रोफेन भी कहा जाता है ब्रुफीन से बोला जाता है और यह पेनकिलर होती है मेडिकेशन ये भी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर लेते हैं पेनकिलर क्योंकि कुछ पेनकिलर ऐसे होते हैं जो एलर्जी कर जाते हैं जिसके अंदर मोस्टली लोगों को वॉरन से एलर्जी होती है वॉरन से मेडिकेशन से एलर्जी होती है जो कि किडनी डिजीज के साथ होते हैं इसके अलावा एस्टामाइनोफिन मेडिकेशन दी जाती है ये भी पेन किलर है लेकिन रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल प्लीज मेडिकेशन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर बिफोर कंसर्न विद योर फिजिशियन और डॉक्टर के साथ जरूर कंसर्न करें ताकि कोई मेडिकेशन आप रोंग नहीं दे क्योंकि मेडिकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें मेडिकेशन लेनी चाहिए ये नुकसान दे भी हो सकती है। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर यूर, यूरिट्रोस्कोपी किया जाता है इट्स इन्वॉल्व इन दिस इन्वॉल्व विजुअल दी स्टोन एंड देन डिस्ट्रॉइंग इट इसके अंदर क्लियरली स्टोन जो है नजर आ जाता है स्टोन नजर आ रहा होता है क्योंकि इसके आगे कैमरा लगा होता है इन साइड ये होता है कट लगा कर लेजर के जरिए भी ये प्रोसीजर किया जाता है इंसर्ट किया जाता है इन साइड इन इंसर्टिंग अ यूरिट्रोस्कोप इन टू यूरिटर यूरिटर के अंदर वो एक स्कोप ये आपको नजर आ रहा है एक स्कोपिक ये एक आला होता है जो इन साइड इंसर्ट किया जाता है के जरिए और इसके जरिए इसे बोला जाता है अल्ट्रासाउंड भी इससे किया जाता है और इसके अलावा यूरिट्रोस्कोप टू फॉर्म फ्रेगमेंट एंड रिमूव द स्टोन इसमें किया क्या किया जाता है कि फ्रेगमेंट किया जाता है और अल्ट्रासाउंड डिवाइस

इंसर्ट किया जाता है स्किन को काट कर या स्किन को कट लगा कर जो प्रोसीजर किए जाते हैं उसे इन प्रोसीजर कहा जाता है और इन नॉन प्रोसीजर वो है जो स्किन के ऊपर के से किए जाते हैं तो ये प्रोसीजर जो है ये भी स्किन के ऊपर ही किया जाता है इस तरह से एक मशीन होती है जिस पर पेशेंट को लौटा दिया जाता है यहाँ पे बेल्ट लगाया जाता है यहाँ पे क्योंकि काफी पेनफुल प्रोसीजर होता है और यहाँ इस जगह पे एक लाइक like हैमर होता है हैमर जो है उसी डिटेक्ट किया जाता है जैसे ये आपको कंप्यूटर नजर आ रहा है बाहर जो है और पूरी यहाँ पे क्या होती है वेव्स होती हैं और पर्सन को यहाँ लटाकर कर और मॉनिटर किया जा रहा होता है कि स्टोन कहाँ पे है फिर ये हैमर उसी जगह पे क्लिक करता है उसी जगह पे हैमरिंग करता है ताकि इस प्रोसीजर को लिथोट्रिप्सि कहते हैं ताकि वो जो स्टोन है उसके किडनी के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाए आफ्टर द स्टोन आर फ्रेगमेंटेड टू द साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, यस ये क्या होता है ये सैंड जितने, जितने ग्रेन होते हैं जितना साइज सैंड का होता है जरों की तरह ये टूट जाता है स्टोनटेनियसली स्टोन खुद ब खुद फिर निकल जाता है लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पर्सन को आई लाइन मेंटेन की जाए उसे इंटेक ज्यादा दिया जाता है उसकी आई लाइन को मेनटेन करके फ्लूड दिया जाता है ताकि वो ग्रेन्स जो सैंड लाइक स्टोन है वो निकल जाए इसके अलावा जो थर्ड वन इज परकोटेनियस होता है इज इन वेसिव प्रोसीजर यस ये जो है इन्वेसिव प्रोसीजर होता है और इसके जरिए क्या किया जाता है किडनी से स्टोन को रिमूव किया जाता है और ये स्टोन तकरीबन टू सेंटीमीटर साइज के होते हैं जिनको डाल लिया जाता है इसके अंदर भी कैमरा होता है और खासकर ये पेल्विस के अंदर अगर स्टक हो जाता है किडनी के पेल्विस के अंदर तो उस सूरत में इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है इसको करने के लिए स्पाइनल एनस्थीजिया दिया जाता है या जनरल एनस्थीजिया दिया जाता है पर्सन को नर्सिंग इंटरवेंशन को हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेनल देने के लिए जैसे कि पर्सन की सर्जरी हुई है या लिथोट्रिप्सी हुई है या उसका आ, कोई भी प्रोसीजर जो हुआ है उसके अंदर क्या किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैनलजेसिक क्योंकि सिवियर उसको पेन होता है इंट्रामस्कुलर पेन हो रहा होता है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो भी प्रिस्क्राइब किया है वो रिलीव करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है नर्स शुड असिस्ट पेशेंट टू मेक कंफर्टेबल पोजीशन नर्स का काम क्या होता है वो असिस्ट करती है कि पेशेंट क्या हो कंफर्ट पोजीशन में हो पेशेंट को क्या है व्हेन ही वेंट टू एम्बुलेंट क्योंकि वो क्या है पेशेंट को वो हर लिहाज से क्लोजली उसकी मॉनिटर कर रही होती है पेन को उसके चलने फिरने को किस तरह से उसको बिठाना है किस तरह से उसको चलाना है ये सारी चीजें वो देख रही होती है डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना जरूरी होता है चेक किया जाता है उस के यूरन को के यूरन वॉल्यूम कैसा है यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा क्लाउडी यूरन तो नहीं आ रहा उसके अंदर कोई किसी किस्म का अल्ब्यूमन या कुछ इस तरह से तो नहीं आ रहा उसका किस तरह का कलर है वो सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होती है वाइटल साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है मोनिटर किए जाते हैं क्लोजली क्योंकि पेशेंट इसके अंदर पेशेंट का हाईपरटेंसिव हो सकता है बीपी हाई हो सकता है अगर उसको इंफेक्शन है तो फीवर भी हो सकता है मेंटेन करना है उसका हाई फ्लूड इनटेक करना है पेशेंट को एजुकेट करना है कि यूरिन कल्चर में भी परफॉर्म एवरी वन टू टू मंथ फोर रिकरेंट री, यूटीआई अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उसको हुआ है तो एक या दो महीने के अंदर अपना आई, करवाता रहे आर, सी एस जो भी एटलीस्ट तो टू ग्लास ऑफ वाटर पिए ताकि क्या हो ड्यूरिंग नाइट उसको डिहाइड्रेशन या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को एक और चीज एडवाइस करनी है कि वो इनटेक अच्छा ले ताकि डिहाइड्रेटेड ना हो एक्सेसिव फ्लूड ले एक्सेसिव स्वेटिंग से बचे और अच्छी डाइट ले वो डाइट ले जो कि मॉडिफिकेशन की गई है जो डॉक्टर ने उसको बताया गया है रेगुलर फॉलो अप के लिए हॉस्पिटल में आता रहे also, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है ये समझ आई है अंडरस्टैंडेबल है इन्फॉर्मेटिव है स्टूडेंट तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बताए के इस तरह की मजीद वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगी अगर कोई और भी सब्जेक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे साथ बने रहिएगा चैनल को करिएगा सब्सक्राइब बी एस एन बेस्ट सोफिया नर्सिंग को और आप इजाजत दें तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर में नेक्स्ट अपने टॉपिक में कहना चाहिए जो के होगा अक्यूट एंड क्रॉनिक रेनल फेलियर गॉड ब्लेस यू एवरी